बेंगलुरु हिंसा में गई 3 लोगों की जान, 60 घायल, एसडीपीआई नेता गिरफ्तार। बेंगलुरु में हुई हिंसा के मामले में स्थानीय पुलिस ने कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। पुलिस ने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के एक नेता को गिरफ्तार कर लिया है। एसडीपीआई की ओर से भी इस बात की पुष्टि की गई है कि गिरफ्तार किए गए नेता का नाम मुजम्मिल पाशा है। बता दें कि इस संगठन का नाम हिंसा को भड़काने में आ रहा था। फेसबुक पोस्ट को लेकर बेंगलुरु में मंगलवार की रात को बवाल हुआ, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। भीड़ ने कांग्रेस विधायक के घर पर हमला किया, साथ ही पुलिस स्टेशन को भी आग के हवाले कर दिया। इस हिंसा में 60 पुलिसकर्मी घायल हुए। भीड़ को काबू में लाने के लिए पुलिस द्वारा फायरिंग भी की गई। जिस जगह पर यह घटना हुई वहां की एक निवासी शरीफ ने बताया कि कल रात जो हुआ वो भीड़ की गलती थी, उन्होंने ही पहले यहां पर हमला किया। इस घटना को लेकर बेंगलुरु पुलिस के कमिश्नर कमल पंत ने कहा है कि 3 लोगों की मौत हुई है और कई लोगों को चोटें भी आई हैं। पुलिस के वाहनों को तोड़ा गया है और आग लगा दी गई है। इतना ही नहीं बल्कि एक ग्रुप ने बेसमेंट में घुसकर करीब 250 वाहनों को आग लगाई। पुलिस कमिश्नर के मुताबिक इस वक्त हालात काबू में हैं। डीजे हाली केजी हाली पुलिस स्टेशन क्षेत्र में कर्फ्यू लगाया गया है, जबकि पूरे शहर में धारा 144 लागू कर दी गई। सुरक्षा को देखते हुए आरएएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ का सहारा लिया जा रहा है और लोगों से किसी भी तरह की अफवाह में न आने को कहा गया है। इस घटना के बाद मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है, साथ ही आरोपियों को कड़ी सजा दिलाने की बात कही है। इंडिया हॉट टॉपिक की रिपोर्ट।